अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिर्ज़ा नुमान मजीद, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हेड ऑफिस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन फिश। एज वी नो दैट फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल, फिश जो है ये एक एक्वेटिक एनिमल है, तो इसकी रेस्पिरेटरी जो सरफेस होती है वो गिल्स हैं। And gills are present in pairs, present on both side of the body, right side as well as the left side of the body. Number of pairs vary करते हैं, normally 4 to 5 pairs जो हैं ये मौजूद होते हैं, and these gills are present at the junction of head and trunk. अब ये जो gills हैं ये स्लिट्स यहाँ पर कॉलम से कवर्ड होते हैं, जैसा कि अगर हम बात करें ऑस्टिक थीस की तो इसमें अपर कॉलम मौजूद होता है। ऑस्टिक थीस क्या है? ये बेसिकली बेटा क्लास है फिशेस की जो कि बोनी फिशेस हैं। कार्टिलेज भी मौजूद होता है लेकिन इनके स्केलेटन में मोस्टली बोन्स मौजूद होती हैं। इसी तरह गिल स्लिट्स जो हैं वो कॉन्ड्रिक थीस में क्लियर होती हैं, वाजे होती हैं। ये भी फिशेस की एक क्लास है जो कि कार्टिलेज पर जिनका स्केलेटन मौजूद होता है, जैसा कि शार्क। अब फिश में सरफेस एरिया जो है वो मैंने आपको बताया गिल्स हैं, और कंटिन्यूसली फिशेस पानी के अंदर मूव कर रही होती हैं, तो माउथ से वाटर इंटर होता है और गिल्स से होता हुआ जो है वो बाहर चला जाता है। फिशेस के अंदर सिंगल सर्कट सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सिंगल सर्कट सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या मुराद है कि गिल्स के अंदर ब्लड आता है और माउथ से पानी इंटर होता है। ब्लड अपनी ऑक्सीजन गिल्स में ही हासिल करेगा और ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और वहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में भेजा जाता है। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में आ जाता है, गिल्स से ऑक्सीजन हासिल करके सारी बॉडी में चला जाता है। तो हार्ट में कितनी बार ब्लड गया? सिर्फ एक बार। कब? डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिशेज में हार्ट में नहीं जाता, गिल्स से ही सारी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक हो गया। अब इसको कहते हैं सिंगल सर्कट हार्ट या सिंगल सर्कट सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मैट्रिक में भी आपने पढ़ी होगी कि आपने चेक करना हो कि फिश फ्रेश है कि नहीं, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है? इसके गिल्स चेक किए जाते हैं। अगर गिल्स का कलर रेड हो तो वो फ्रेश होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? ये एम्फीबियन है, पानी में भी रह सकता है और खुश्की पर भी रह सकता है, और इसमें गैसेस एक्सचेंज 3 तरह से होता है, लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और बकल कैविटी। जो स्किन के थ्रू होता है उसे कहते हैं क्यूटिनस रेस्पिरेशन, जिसमें पूरी इसकी स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे एक्ट करती है और वहीं से गैसेस एक्सचेंज किया जाता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो कि लंग्स के थ्रू किया जाता है। इस प्रोसेस को आप डायग्राम से देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पर जो फ्रॉग की एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जिसमें वाइट कलर आप देख सकते हैं कि माउथ के बिल्कुल नीचे, साथ ही वाइट कलर जो है वो स्वोलन है, कि सबसे पहले फ्रॉग नास्ट्रल्स को ओपन करता है, एयर नास्ट्रल्स से इंटर होगी माउथ में, बकल कैविटी में आ जाएगी। पहला स्टेप मुकम्मल हुआ। सेकंड स्टेप में क्या करेगा? फ्रॉग नास्ट्रल्स को क्लोज कर देगा, बंद कर देगा, और बकल कैविटी की सरफेस को रेज करेगा, ऊपर को उठाएगा, जिसकी वजह से अब नास्ट्रल्स बंद हैं, हवा बाहर नहीं दोबारा जा सकती, वो आगे मूव करेगी। उसके आगे क्या मौजूद होते हैं? इसके लंग्स, तो एयर लंग्स में चले जाती है। ये आपकी सेकंड डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं।
और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हवा नॉस्ट्रल से बाहर वापस ना जाए। अब इसमें कैपिलरीज मौजूद होती हैं, आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, जूम करके बताया गया है कि ब्लड कैपिलरीज हैं इसके लंग्स में। एयर लंग्स में आ गई तो लंग्स में जाके गैसेस एक्सचेंज होगा कि एयर से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाएगी, और लंग्स से दोबारा जब इसको एक्सहेल किया जाएगा एयर को, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की कम होगी। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम। इसको कंटिन्यूसली एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फ्लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक्टिव एनिमल्स हैं। तो इस चैप्टर के शुरू में आपने एक चीज़ देखी थी कि रेस्पिरेशन के दो काम हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जाहिर बात है जब एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो मतलब इनमें रेस्पिरेशन रेट बाकियों के निस्बत ज़्यादा होगा, हाई मेटाबॉलिक रेट होगा, मोर ऑक्सीजन इनको रिक्वायर होगी। और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इसमें बात जो है वो बर्ड्स में, कि इसमें स्टिल एयर नहीं होती, एयर मूव करती रहती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि इसमें एयर इसकी माउथ से, बीक, चोंच वाले एरिया से इंटर हो रही है, ट्रिकिया से। आगे आपको लाइट ब्राउन कलर की जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली एयर सैक्स हैं, और आप देख सकते हैं ये अटैच हैं रेड कलर के लंग्स के साथ। अब यहाँ पर ये एयर सैक्स है क्या, इनका फंक्शन क्या है? एयर सैक्स का बेटा फंक्शन ये होता है कि इसने एयर प्रेशर को लो करना होता है, कम करना होता है। कि जैसे ही आप देखें कि एयर ट्रेकिया से इंटर हुई, तो अगर प्रेशर ज़्यादा था तो एयर चले जाएगी एयर सैक्स में ताकि लंग्स में प्रेशर लो रहे, फिर थोड़ी थोड़ी करके ये लंग्स में आएगी और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड जो है वो बाकी हिस्सों को ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। नीचे एक और डायग्राम है, इनहेल एक्सहेल, आप देख सकते हैं इनहेल में जो ब्लू मार्क एरिया है ये एयर इंटर हो रही है, फिर एक्सहेल में आप देख सकते हैं एयर पैरा ब्रोंकाई में चले गई है, क्योंकि इसमें एल्वोलाई नहीं होते, उसकी जगह बर्ड्स में पैरा ब्रोंकाई होते हैं, जहाँ पे जो ब्लड और एयर का फ्लो जो है वो काउंटर करंट होता है, ओपोजिट होता है, कि एयर अगर राइट साइड लेफ्ट साइड पे जा रही है तो ब्लड राइट साइड को मूव करेगा, ये मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में इसका जो है वो रोल होता है। अब थर्ड स्टेप में ये एयर जो है दोबारा से एयर सैक से होती हुई पैराब्रोंकाई में गई, पैराब्रोंकाई से दोबारा एक और एयर सैक में जाएगी और वहाँ से इसको बाहर जो है वो एक्सहेल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अब एक्सटेंशंस ऑफ लंग्स जिसकी मैं बात कर रहा था, एयर सैक्स हैं, इसका क्या फ़ायदा है? ये बर्ड के तमाम होल बॉडी में, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मौजूद होती हैं, यहाँ तक कि इसकी कुछ हड्डियाँ हैं उनमें भी एयर सैक्स मौजूद होती हैं। तादाद कितनी है इसकी? ये 9 एयर सैक्स होती हैं मोस्टली बर्ड्स में, और एक्ट एज बिलोज, बिलोज का मतलब कि एयर प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक हो गया बेटा, ये थी रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग एंड रेस्पिरेशन इन फिश। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।